बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हमारी, उसका एक ब्रीफ सा परिचय किया था। एक छोटा सा परिचय हमने उसका किया था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गणित की शाखा है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे इसका यूज होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि रेने डकार्ते फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ने सबसे पहले इसको निर्देशांक ज्यामिति को प्रयोग किया था, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक है वो रेने डकार्ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेने डकार्ते ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इसके बारे में सोचा और किस तरह से किसी बिंदु को किसी तल पे किस तरह से स्थापित करेंगे, किस तरह से इसको दिखाएंगे, इसके बारे में बताया। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कि यह हमारा जो कार्तीय तल है, वो किस तरह से बने। इसको हम कार्तीय तल भी कह देते हैं, इसको हम निर्देशांक तल भी कह देते हैं, कार्तीय तल भी कह देते हैं और निर्देशांक तल भी कह देते हैं। अब देखो, रेने डकार्ते ने इसका सर्वप्रथम यूज किया था, तो उनके सम्मान में जो तल है उसका नाम, एक किसी तल पे बिंदु का निर्धारण किया था ना, तो उस तल का नाम कार्तीय है। अब ये डकार्ते से कार्तीय है, ये कार्ते से कार्तीय तल, इसका उनके सम्मान में इसका नाम कार्तीय तल दिया गया है। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको हम कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। अब बच्चों देखो, इसमें जो हमारा कार्तीय तल है वो क्या है और किस तरह से उस पर किसी बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, हमने संख्या रेखा पर किसी बिंदु का निर्धारण सीखा था। मान लो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ये हमने एक संख्या रेखा ले ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हमारे पास संख्या रेखा है। ये हमने जो संख्या रेखा ली है वो अक्षतिज ली है, यानी कि जिसको हम सामान्य सी भाषा में पड़ी लाइन बोल देते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमने खड़ी लाइन ले ली। अब रेने डकार्ते ने क्या किया, किसी बिंदु को किसी तल पे स्थापित करने के लिए, दर्शाने के लिए इस क्षैतिज और इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, तो इस खड़ी लाइन को आपस में मिला दिया, कुछ इस तरह से मिलाया कि इसका मूल बिंदु और इसका मूल बिंदु आपस में मिले, यानी कि इसको उठा के मैं अगर यहां पे रख दूं,
इसको मैं उठा के अगर मैं यहां पे रख लूं तो हमारे पास ये जो सिस्टम है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों का ओ सेम हो गया, तो यहां एक दो तीन चार पांच, यहां माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, इस तरह से यहां पे एक दो तीन चार पांच, यहां पे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार और माइनस पांच। आप देखेंगे कि ये दो लंबवत रेखाएं हैं तल पे, और इन रेखाओं ने इस तल के चार भाग कर दिए। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है और चौथा भाग ये है। इन रेखाओं ने इस तल के कितने भाग कर दिए? चार भाग कर दिए। अब यहां पे, यहां से हमारा शुरू होता है कार्तीय तल, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, निर्देशांक तल भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं। और देखो इसको जो हमने ये क्षैतिज रेखा ली है इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हमने ली है इसको बोलेंगे वाई अक्ष। तो इस वजह से इसका नाम एक्स वाई तल भी है, इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारा कार्तीय तल है या निर्देशांक तल है या फिर एक्स वाई तल है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब इसके आसपास सारे क्वेश्चन घूमेंगे हमारे। अब इसमें देखो ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, ये जो पड़ी लाइन है ये है हमारी एक्स एक्सिस, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ये है हमारी वाई एक्सिस या वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिल रहे हैं उसको ओ से डिनोट किया गया है, ये है हमारा मूल बिंदु, यह है हमारा मूल बिंदु, यहां पे यह हमारा मूल बिंदु हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन दो लंबवत रेखाओं ने इस प्लेन को चार भागों में बांट दिया। ये घड़ी की विपरीत दिशा में हम काउंट करते हैं, एक दो तीन चार, घड़ी इस तरह से चलती है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में एक दो तीन चार, चार भागों में बांट दिया, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थांश एक, ये है हमारा चतुर्थांश दो, ये है हमारा चतुर्थांश तीन, और ये है हमारा चतुर्थांश चार। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर। अब जब ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव वैल्यूज है, प्लस की है, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां पे हम एक्स लिख लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लिख लेते हैं एक्स डैश। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने लिख लिया एक्स, और नेगेटिव वैल्यू के लिए लिख लिया हमने एक्स डैश। ठीक इसी तरह से इस मूल बिंदु से ऊपर है जो वाई एक्स पे, ये पॉजिटिव वैल्यू है वाई एक्स की, तो यहां पे वाई लिख लिया, और ये नीचे नेगेटिव है तो ये वाई डैश हो गया। तो प्यारे बच्चों यहां तक हमने मेन मेन सी क्या बातें सीखी कि कार्तीय तल में, निर्देशांक तल में या एक्स वाई तल में हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जो कि पड़ी लाइन है,
एक वाई एक्सिस है जो कि खड़ी लाइन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर लंब है। उसके बाद एक बात हमने देखी कि ये जो दो लंबवत रेखाएं हैं इसने जो तल को चार भागों में बांट दिया, जिनको हम चतुर्थांश बोलेंगे, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलेंगे। चतुर्थांश 1 2 3 4 काउंटिंग कैसे करेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती है उससे विपरीत दिशा में हम काउंट करेंगे, इस डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे। मूल बिंदु हुआ वो स्थान है जहां पे जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है वो काटती है दोनों रेखाएं, और इसको मूल बिंदु को किससे डिनोट करेंगे, ओ से। तो यहां तक हमने ये बातें सीख ली है। अब देखो यहां पे मान लो हम किसी भी बिंदु का निर्धारण कर रहे हैं, तो यहां पे मान लो देखो ये कोई यहां पे कोई बिंदु है, इसकी हमें स्थिति बतानी है, इसकी हमें स्थिति बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहां लंब गिरा देंगे, तो यहां से हमें कितना मिल गया, 3। ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स का मान हमें 3 मिल गया। ठीक इसी तरह से यहां पे लंब गिरा देंगे वाई एक्स पे, तो यहां से वाई का मान भी कितना मिल गया, 3। तो यानी कि ये जो बिंदु है वो क्या है, इसको पहले हम लिखेंगे एक्स एक्स पे कितना है, 3, फिर एक कोमा, और फिर वाई एक्स पे कितना है, 3, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक है, क्या बोलेंगे इसको, कि ये बिंदु के निर्देशांक है। एक्स निर्देशांक कितना है इस बिंदु का, 3, और वाई निर्देशांक कितना है इस बिंदु का, वो भी कितना है, 3। ध्यान रखें कि पहले हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे और फिर हम वाई निर्देशांक लिखेंगे, पहले हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे और फिर हम वाई निर्देशांक लिखेंगे। मान लो हमारे पास यहां पे अगर हम ये ले लें, मान लो ये जगह देखो ये कोई बिंदु है, इसी निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो लंब गिरा के हम एक्स पे आएंगे, कितना मिल गया, -4। इसी तरह से वाई एक्सिस पे लंब गिराएंगे तो कितना मिल गया, 2। तो यहां पे हमारे पास एक्स तो कितना आ गया, -4, और वाई कितना आ गया, 2। तो -4 2 ये इस बिंदु के निर्देशांक है, ये इस बिंदु के निर्देशांक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं कोई इस जगह पे, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो पहले एक्स अक्ष पे जाएगी, तो हम अगर हम एक्स अक्ष पे जाते हैं तो हमें -2 मिला, और अगर हम वाई एक्स पे जाते हैं तो हमें कितना मिला, -3। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, -2 और -3। ठीक इसी तरह से मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो लंब गिरा देंगे एक्स एक्स पे, कितना मिल गया, 4, और इसी तरह से वाई एक्स पे कितना मिल गया, -2। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 4 और -2। तो 4 और 2 हमारे पास इसके निर्देशांक हो गए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पहले एक्स लिखना है, एक्स का निर्देशांक लिखना है, और फिर हमें वाई के निर्देशांक लिखने हैं। अब इसमें जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है 3 4, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स निर्देशांक, और ये हमारा क्या होगा, वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक का एक स्पेशल नाम है, उसको हम बोलेंगे भुज। वाई निर्देशांक का एक स्पेशल नाम है, उसको हम बोलेंगे कोटि। भुज इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, और कोटि इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। यहां तक हो गया पहले बच्चों। अब हमने सीख लिया कि जो हमारा कार्तीय तल है दो लंबवत रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से बना है, इसके 4 चतुर्थांश हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे, 4 जो चतुर्थांश है उनके नाम 1 2 3 4 है,
उनको घड़ी की विपरीत दिशा में काउंट करेंगे। इसके बाद मूल बिंदु वो जगह है जहां पे दोनों लंबवत रेखाएं यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटेंगे। किसी भी बिंदु में पहले हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर हम वाई निर्देशांक लिखेंगे कोमा डाल के, और उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो बिंदु की स्थिति बताएगा। एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब इसमें एक बात हो रहा, देखो ये जो चार क्वाड्रेंट हो गए, ये चार चतुर्थांश हो गए, इनके नाम क्या है? देखो इसका नाम, इस वाले का नाम, इसका नाम है एक्स ओ वाई चतुर्थांश, एक्स ओ वाई चतुर्थांश। इसमें देखो एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का, डैश का मतलब माइनस और विदाउट डैश यानी कि प्लस। एक्स ओ वाई यानी कि यहां इस चतुर्थांश में जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों ही कैसे होंगे? प्लस के होंगे। ये आ जाओ दूसरा, यहां पे देखो एक्स कैसा है, एक्स नेगेटिव है तो यहां पे ये एक्स एक्स ओ एक्स डैश है ना, नेगेटिव तो डैश है, एक्स डैश ओ वाई। तो ये हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड दूसरा चतुर्थांश है उसका नाम हो गया। इसमें एक्स कैसा हो गया? डैश माइनस का, और वाई कैसा हो गया? प्लस का। तीसरे पे आ जाओ, एक्स डैश ओ वाई डैश, ओ और वाई डैश यानी कि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक्स निर्देशांक भी माइनस का होगा और वाई निर्देशांक भी माइनस का होगा। जैसे देखो दोनों माइनस के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लो अब इस पे आ जाते हैं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या नाम? एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, एक्स प्लस का और वाई नेगेटिव माइनस का, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा। तो ये आ गया हमारे पास। प्यारे बच्चों मान लो अगर आपसे पूछ ले कि दो और माइनस तीन ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये जो बिंदु है ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, यानी कि ये एक्स ओ वाई डैश है, यानी कि ये एक्स ओ वाई डैश है, एक्स ओ वाई डैश। देखो यहां से एक्स ओ वाई डैश, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये जो बिंदु होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक। बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा कि हमारे पास दो लंबवत रेखाओं से एक प्लेन में दो लंबवत रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से हमें चार क्वाड्रेंट मिल गए। जो क्षैतिज रेखा उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो वर्टिकल है जो उधर्वाधर है उसको हम, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, जो उधर्वाधर है उसको हम वाई एक्सिस बोल लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे काटते हैं वो मूल बिंदु है, ओरिजिन है। यहां पे चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। किसी भी पॉइंट को लिखते वक्त उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पहले बोलेंगे लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलेंगे एब्सिसा, और वाई निर्देशांक को कोटि बोलेंगे यानी कि ऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक है, इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। इनके कार्तीय तल है जो हमारा, ये हमारा जो कार्तीय तल है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और यहां ओरिजिन एक दो तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन चार और ये माइनस चार एक दो तीन चार यहाँ पे माइनस एक
माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार। तो कह रहा है कि किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाले अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इनको रेखाओं के नाम बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल। तो इसका जो हर हुआ वो क्या हुआ? जो अक्षैतिज रेखा हुई ये हमारी क्या है? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या हुई? वाई एक्स, वाई एक्सिस। तो बिल्कुल सिंपल। दूसरा पार्ट देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। इन दो रेखाओं से हमारे पास चार तल बन गए, एक दो तीन चार। तो इनसे जो तल बने हैं, कितने तल बने हैं? चार। तो इन तल का नाम क्या है? ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट बने हैं, ये जो हमारे इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है इसके, इनके नाम बताने हैं। तो ये है हमारे क्या? चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश क्या बना? यह है हमारा एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई इसको और क्या कह सकते हैं कि चतुर्थांश एक, एक्स ओ वाई। इसी तरह से एक्स डैश ओ वाई, ये एक्स डैश ओ वाई ये हमारा क्या है? चतुर्थांश दो। इसी तरह से एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश ये हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्थांश तीन। और इसी तरह से हमारे पास एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश ये हमारे पास हो जाएगा चतुर्थांश चार। तो ये हमारे पास चार चतुर्थांश हो गए। ये इनके नाम है। इनके नाम ऐसे भी कह सकते हो कि चतुर्थांश एक, चतुर्थांश दो, चतुर्थांश तीन, चतुर्थांश चार, या फिर एक्स ओ वाई चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई डैश चतुर्थांश और एक्स ओ वाई डैश चतुर्थांश, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो रेखाएं कहां पे प्रतिच्छेद करती है? यहां पे। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? जीरो जीरो। इसके निर्देशांक होते हैं हमारे पास जीरो जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करते हुए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो ये जो आकृति है वो दे रखी है और उसने कुछ सवाल पूछे हैं कि आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है उसका कि बी के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, या अगर आप ये कह लेंगे आसान सी भाषा में, बी बिंदु बताओ क्या है। अब बी बिंदु ये रहा देखो हमारे पास बी बिंदु। अब इसमें क्या करेंगे हम? यहां नीचे आएंगे तो एक्स मिलेगा, पहले एक्स लेंगे फिर वाई एक्स की तरफ जाएंगे। पहले एक्स अक्ष की तरफ कितना मिला? माइनस पांच। वाई एक्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां से हमें कितना मिला? दो। एक्स अक्ष की तरफ गए तो माइनस पांच मिला और वाई एक्स की तरफ गए तो दो मिला। तो बी बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? एक्स माइनस पांच और वाई हमारे पास आ गया दो। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सी, सी के निर्देशांक, सी बिंदु ढूंढो भाई कहां पे? सी बिंदु ये रहा देखो हमारे पास, यहां से जब हम एक्स पे जाएंगे कैसे चलेंगे? देखो इसी लाइन पे चल पड़ेगा ये पांच। एक्स पे आए तो पांच मिला और जब वाई पे जाएंगे तो माइनस पांच मिलेगा। तो सी बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे पास एक्स के लिए पांच और वाई के लिए माइनस पांच। एक्स के लिए हमारे पास पांच है और वाई के लिए हमारे पास माइनस पांच है। नेक्स्ट उसके बाद है
निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखो, पहले देखो -3 -5 आएगा कहां पे? x माइनस का यानी कि x डैश, ओ y भी माइनस का है y डैश, x डैश ओ y डैश, x डैश ओ y डैश, यहां कहीं है, यहां कहीं हमारे पास दो बिंदु है। अगर हम इसको लें तो अगर x से मिलाएंगे तो कितना मिलेगा? -5। गलत है, x तो हमारा कितना है? -3। तो ये नहीं हो सकता, ये देखते हैं, x पे मिलाया तो -3 मिल गया, यानी कि x निर्देशांक -3 आ गया, और y पे मिलाया, y x पे मिलाया तो -5 मिलेगा। होगा काम हमारा, बन गया, बन गई बात। तो -3 और -5 किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? E से। तो निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो इसका आंसर कौन हो गया? बिंदु ई, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 -4। अब आप देखो, x को प्लस का है x, ओ y माइनस का है y डैश, तो x ओ y डैश, x ओ y डैश, ये इसके बीच में हमारे पास, ये तो लिखा ही हुआ पहले, ये तो हो नहीं सकता, तो g और c है हमारे पास। g को देखते हैं, g को x से मिलाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, और जी को वाई से मिलाएंगे तो -4 मिलेगा। तो ठीक है, 2 और -4, तो आ गया हमारा आंसर। तो कितना आंसर आ गया? जी। तो ये इसका आंसर है, बिंदु जी से, यानी कि -2 और -4 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बिंदु जी से। डी का भुज, डी देखो भाई पहले तो कहां पे है डी? डी ये रहा भुज, एक होता है भुज और एक होता है कोटी। भुज मतलब एक्स निर्देशांक, तो एक्स पे चलो कितना? 6। तो D का भुज बराबर है 6 इकाई। इसी तरह से अगर D का कोटि पूछ लेता तो हम वाई एक्स पे जाते, क्योंकि तो Y निर्देशांक क्या होता है? कोटि होता है, तो हम वाई एक्स पे मिला लेते हैं इसको। अब बिंदु H के निर्देशांक, बिंदु H ढूंढो भाई, बिंदु H, बिंदु H, बिंदु H हम X पे ले आए, -3 मिला, और y पे ले गए तो -5 मिला, तो ये कितना हो गया? x, ध्यान नहीं पहले x लिखेंगे, -3 और -5। बिंदु l के निर्देशांक ये रहा है, देखो l बिंदु कहां पे है? y x पे है, तो इस y x पे कहीं भी देख लो आप, जो x निर्देशांक होगा वो हमारा 0 होगा, y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होगा। ठीक इसी तरह से x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होगा। तो बिंदु L के निर्देशांक, तो देखो x तो हमारा कितना है? 0। x निर्देशांक तो कितना है? 0। और y निर्देशांक कितना है? y तो कितना है हमारा? 5 है, तो y तो मिल ही गया 5। तो बिंदु L के निर्देशांक ये हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से बिंदु M के निर्देशांक, M बिंदु ये रहा हमारे पास, M बिंदु, M बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है तो y तो 0 होगा, x का तो हमें पता ही है कितना है, x कितना है? -3, और y कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूरा का पूरा चैप्टर ये बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, ये जो क्वेश्चन है आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाने की भी कोशिश करें थोड़ी थोड़ी, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो आगे इसके आपको ग्राफ पेपर से भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।